स्किन देन है ये, फिर ग्लॉस भी बहुत अच्छी है, सेम वैसी ही ग्लॉस है जो मैंने आप लोगों को वहाँ पर दिखाई थी जो रखी हुई है, ये सेम वैसी। आज की जो वीडियो है ना वो आप लोग सबकी फेवरेट होने वाली है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मतलब जहाँ पे मतलब हर वक्त मुझे डीएम आते रहते हैं इंस्टाग्राम पर कि प्लीज़ आप ही यू नो अपनी मेकअप कलेक्शन शेयर करें, वैनिटी टूर शेयर करें, और जो जो आप यूज़ करती हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, कौन सा फाउंडेशन यूज़ करती हैं, तो आज आपको परेशानी होने वाली है दूर। आज मैं आप लोगों से करने वाली हूँ हर एक चीज़ शेयर, वो भी डिटेल में। सो बस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ अपनी मेकअप कलेक्शन। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग ये वाली वीडियो होने वाली है, बिकॉज अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिखाया तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक गिव अवे रखूंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी प्यार दिखाइएगा। बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गो विद मी। सो हियर इज माय मेकअप कलेक्शन। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी मोस्ट फेवरेट और मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ऑब्वियसली फाउंडेशन से, बिकॉज फाउंडेशन इज़ द मेन थिंग विच वी ऑल यूज। सबसे पहले आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैंडल मैंने रखी हुई है, सेंटेड कैंडल विच आई रियली लाइक। और अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे फाउंडेशन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेकअप। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला फाउंडेशन दिखाऊँगी, ये है बोर्जेस का फाउंडेशन विच इज़ रियली रियली गुड। भी इतना अच्छा काम करता है और बिल्कुल भी मतलब पैचनेस नहीं छोड़ता, स्टेन नहीं छोड़ता और बहुत अच्छी तरह से फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड होता है। चलिए तो सेकेंड हमारे पास फाउंडेशन है ये रिमल का फाउंडेशन। अच्छा ये वाला जो है ना मुझे ब्लू वाला पसंद है, ये रेड वाला जो है वो एवरेज फाउंडेशन है। मतलब मुझे ब्लू वाला ही चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ आउट ऑफ स्टॉक था तो मुझे ये वाला लेना पड़ा। एन एवरेज फाउंडेशन मतलब इतना खास जो है ये काम नहीं करता, बट इफ़ यू आर फाइंडिंग अ गुड फाउंडेशन देन गो फॉर अ ब्लू वन रिमल का, वो बहुत अच्छा। तो थर्ड हमारे पास ये वाला फाउंडेशन है, ठीक है ये वाला जो है ये मेबेलिन का फाउंडेशन है, सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन। तो थर्ड है हमारे पास, फोर्थ है सॉरी ये वाला, ये मुझे पता नहीं किसी ने गिफ्ट किया था तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे रख लिया। ये है स्टिक और ये मैं करती हूँ डेली बेसिस पे यूज़, या ये जो स्टिक है ये डेली बेसिस पे बहुत अच्छा काम करती है, मतलब इतनी सॉफ्ट है ये वाली जो स्टिक है, दिस इज द बेस्ट स्टिक आई हैव एवर यूज्ड। अच्छा टेक्सचर है, यू कैन सी दिस, इतना सॉफ्ट टेक्स्चर है इसका। और मज़े की बात ये है कि इसके साथ ये फोम भी दिया हुआ है बट इट डजंट वर्क। तो मैं ये जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ये ब्लेंड करती हूँ। एंड अब हमारे पास आता है ये वाला फाउंडेशन, एंड ट्रस्ट मी गाइस दिस इज़ द बेस्ट फाउंडेशन आई हैव एवर यूज्ड इन माय लाइफ। मतलब ये वाला फाउंडेशन जो है वो इतना अच्छा फाउंडेशन है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मज़े की बात ये है कि ये ख़त्म होने वाला है बिल्कुल, इतना सा रह गया, मैं इतना यहाँ सारा यूज़ करती हूँ फाउंडेशन। और इसका स्पैचुला भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब इसको स्पैचुला से निकालो और ये यूज़ कर लो बस अपनी स्किन पे जल्दी जल्दी ऐसे। सो ये बहुत ज़्यादा मज़े का फाउंडेशन लगता है मुझे। आप लोग इतनी रिक्वेस्ट आई थी कि वीडियो बनाए मेकअप कलेक्शन पे, सो हियर आई एम। सो ये वाला फाउंडेशन है मेरे पास, ये भी बहुत अच्छी है और इसकी मज़े की बात ये भी स्पैचुला वाला फाउंडेशन है। और ये आई डोंट नो वाई कि मुझे स्पैचुलास वाले जो फाउंडेशन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है उनको लगाने में। अब है मेरे पास ये कंसीलर, ये भी मैंने यहाँ रखा हुआ है, वैसे कंसीलर की जगह में ये है नहीं, बट ये वाला कंसीलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये है एसटी का कंसीलर विच आई यूज़, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सिर्फ कंसीलर लगाती हूँ और फाउंडेशन में लगाती नहीं हूँ, बस कंसीलर लगाती हूँ, ब्लश लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ और मस्कारा लगाती हूँ एंड आई एम रेडी टू गो। फाउंडेशन की तो हमारी यू नो बात हो गई, अब हम आते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये पॉट रखा हुआ है और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे ब्रशेस एंड लिप पेंसिल्स। सो ये मेरे सारे ब्रशेस हैं, ये हैं मेरे सारे लिप पेंसिल्स और लाइनर्स और कलरफुल लाइनर्स भी सारे इसी में मैंने एक ही कप में रखे हुए हैं, काजल वगैरह हर चीज़ मैंने इसी में रखी हुई है। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ ब्रशेस एंड लिप पेंसिल्स एंड आई पेंसिल्स। और अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इस कॉर्नर पर पाने।
सो आप लोग देख सकते हैं ये कॉर्नर कितना मैंने ब्यूटीफुल डेकोरेट किया हुआ है। और मैं बताती हूँ आप लोग इसमें कि मेरी कौन कौन सी फेवरेट चीज़ें हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास है ये प्राइमर है, एंड द सेकेंड प्राइमर इज़ हेयर। और ये वाला प्राइमर बेस्ट है गाइज। अच्छा, ये वाला भी प्राइमर अच्छा है, बट इसमें क्या होता है कि ये लगाने से ना पोर्स इतने बंद नहीं होते, जब मैं ये लगाती हूँ तो इतना सॉफ्ट लुक नहीं आएगा एज कम्पेरिजन टू दिस वन। एंड दिस प्राइमर इज़ बॉम गाइज। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जब मैं लगाती हूँ ना तो मेरे जो पोर्स हैं ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं, मेरा जो एरिया होता है वो मेरा इतना स्मूथ हो जाता है। प्राइमर जो है वो बेस्ट है मेबिंग का। तो अब हम आते हैं इस पर, ये है मेकअप फिक्सर, एसेंस का मेकअप फिक्सर है ये। और ये है हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर और इल्यूमिनेटर। और ये है आई थिंक रेवोल्यूशन का। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ये वाला मुझे सच में इल्यूमिनेटर इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया, बिकॉज जबकि है ये अच्छा, आई रियली डोंट नो कि ये मैंने ऑर्डर किया था एक पेज से, आई थिंक बगैलरी से मैंने ऑर्डर किया था ये वाला, बट आई थिंक सो कि इसके अंदर कुछ फॉल्ट है। मुझे भी आप लोग बताएं अगर आप लोगों के पास ये वाला हाईलाइटर है, लिक्विड हाईलाइटर, तो क्या इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, क्योंकि ये जब लगता है ना फेस पे तो ये बहुत ज़्यादा ग्लिटरी सा हो जाता है, एंड आई रियली डोंट नो व्हाई। और अब मेरे पास, क्योंकि ये वाला जो मेरा इल्यूमिनेटर है विच इज़ फ्रॉम द बॉडी शॉप, और ये वाला बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ फाउंडेशन लगा कर, तो इसका जो रिज़ल्ट है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट आता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज ये वैसा ग्लिटरी इफेक्ट नहीं छोड़ता है। और अब हमारे पास ये टिंट आ जाता है एक, और यहाँ पर है हमारे पास ये ग्लॉस, एंड जस्ट फ्रॉम H&M, और ये मेरा फेवरेट ब्रांड है H&M। और यहाँ इसकी जो ग्लॉस है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग यकीन ही करेंगे, मतलब ये मैंने कब से संभाल के रखी हुई है। और क्योंकि ये ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं मिलता, और ये मेरी कज़न है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, तो ये मैंने अब तक संभाल के रखी हुई है, बिकॉज ये मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड ये नेक्स्ट ग्लॉस माय फेवरेट वन, ये है ये वाली ग्लॉस। ये वाली ग्लॉस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस, मैं आप लोग को लगा के दिखाती हूँ। ये ग्लॉस जो है ना, दिस इज वेरी नाइस, नहीं कोई मज़े की ग्लॉस है, ये लगने वाला इतना अच्छा सा यू नो ग्लॉसी लुक आता है। तो अब हमारे पास आ जाते हैं मस्कारास। तो मस्कारास हैं अभी मेरे पास फिलहाल टू, बिकॉज यू नो मस्कारा मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेती, जब मेरे पास मस्कारा जो है वो ख़त्म हो जाता है तो मैं दूसरा परचेज़ करती हूँ, बिकॉज मस्कारा जो है वो रखे रखे सूख जाते हैं, तो इस वजह से मेरे पास ये टू मस्काराज हैं। सही ब्रांड रिमल का है, और इसका ब्रश ऐसा है, और एज़ कम्पेरिजन टू दिस वन आई रियली लाइक दिस मस्कारा, बिकॉज मतलब लगने के बाद बिल्कुल भी यू नो पलकिन से एक जगह हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल सेपरेट कर देता है आईलैशेस को। अब हम आ जाते हैं अपनी वाले कॉर्नर पे। सो यहाँ पे मैंने ये दो लिपस्टिक्स रखी हुई है, लिक्विड लिपस्टिक्स विच इज़ फ्रॉम काशीस, और यहाँ पर एक और ग्लॉस है, यहाँ पर है एक और ग्लॉस, और ये ग्लॉस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है जिसमें मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और यहाँ पर है ट्रांसपेरेंसी ग्लॉस हमारी, और यहाँ पर है मेरा फेवरेट कलर न्यूड, और ये है कंसीलर, ये भी कंसीलर है, ये छोटा सा मैंने टेस्टर रखा हुआ है, ये मेरे फेवरेट परफ्यूम का। सो बस ये कॉर्नर है, और यहाँ पर है ड्रॉअर जिसके अंदर मैंने सारी अपनी डेली वेयर की ज्वेलरी वगैरह रखी, आप लोग देख सकते हैं, जो मैं बस पहनूँ और मतलब जल्दी से रेडी टू गो हूँ। और ये चीज़ तो कम्प्लीट हो गई है, तो गाइस मैं जल्दी जल्दी बताऊँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, और जल्दी जल्दी बस मैं आपको दिखाऊँगी अपना मेकअप ताकि आप लोग भी बोर ना हो। सो यहाँ पर आ गए मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स, ये आ गए हैं मेरी बॉडी स्प्रेस, सारे एक ही जगह कर देती हूँ। सो यहाँ पर आ गए हैं मेरे बॉडी स्प्रेस, यहाँ पर आ गए मेरे हेयर का सामान, ये है मेरा स्मूथ एंड शाइन का फाइन बोटैनिक ऑयल, ये है मेरा ग्लॉस क्यूनिका, नहीं सॉरी, ये है मेरा मॉइस्चराइज़र विच इज़ रियली गुड एक्चुअली,
और ये है लेंस का पानी सबके पास होता है, और ये राहिल के बॉडी स्प्रे और ये चीज़ें राहिल की हैं, और ये परफ्यूम भी राहिल का है, और ये कुछ स्किन केयर का मेरे पास सामान है। ये एक ये वाला स्किन केयर का क्या है, ये कैफीन सॉल्यूशन है। ये है डॉक्टर राशेल का वाइट स्किन वाइटनिंग फेयर स्पॉट सीरम। डजेंट वर्क, इट डजेंट वर्क गाइस, मैंने यूज़ किया हुआ है बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन पे इसका और ही ज़्यादा इफेक्ट हो गया है। सही है, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें सही सही नज़र आ रही हों। सो ये है नायसिनमाइड दी ऑर्डिनरी का, और ये है मेरे कुछ परफ्यूम्स यहाँ पर मैंने जो रखे हुए हैं, और ये सैनिटाइज़र रखा हुआ है जब मैं इंस्टेंट जो मैं यूज़ कर लूँ, और यहाँ पर मेरा एक और मॉइस्चराइज़र आ गया है, यहाँ पर आ गया हैलुरोनिक एसिड। तो गाइज ये है मेरी बेसिक स्किन केयर की जो चीज़ें हैं ये वही मैंने यहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा यू नो मैस क्रिएट नहीं किया हुआ, बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ मैंने ऊपर रखी हुई है। जैसे कि मैंने परफ्यूम्स भी सिर्फ सिलेक्टेड अपने ऊपर रखे हुए हैं, दो परफ्यूम्स मैंने रखे हुए हैं, दो बॉडीज पर अपने ऊपर रखे हुए हैं, बाकी जो मेरे परफ्यूम्स हैं वो मैंने अंदर रखे हुए हैं। गाइज मैं पहले बता दूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं जमा किया हुआ, बिकॉज यू नो एंड मेकअप एक्सपायर्ड भी हो जाता है। कुछ कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स पे आप लोग देखते होंगे कि लिखा हुआ होता है कि खुलने के बाद यू नो 12 महीने बाद या 6 मंथ बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं भी यही करती हूँ गाइज, जब मेरा मेकअप एक्सपायर हो जाता है, जब उसकी डेट पूरी हो जाती है, तो मैं वो मेकअप जो है वो डिस्कार्ड कर देती हूँ, बिकॉज यू नो आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज़्यादा मेकअप जमा नहीं करती, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जो आप लोग का एक्सपायर मेकअप है वो आप लोग बिल्कुल डिस्कार्ड करें, डस्टबिन में डालें, बिकॉज यू नो आपकी भी स्किन इससे ख़राब होगी और वो मेकअप भी यू नो बिल्कुल एक्सपायर, चाहे वो ब्रांडेड भी मेकअप हो। इवन ब्रांडेड मेकअप्स पे यही लिखा हुआ होता है, मैं आपको दिखा, तो इवन कोई कितना ही ब्रांड मेकअप हो, लुक मैं आपको ये दिखाती हूँ, एसेंस का मस्कारा है और इस पर लिखा हुआ है खुलने के बाद 6 मंथ्स बाद ही एक्सपायर हो जाएगा, आप लोगों को अगर दिख रहा हो, और अगर आप लोगों के पास भी कोई प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी आप देख सकते हैं 6 मंथ्स लिखा हुआ है। जब इसको 6 मंथ्स पूरे हो जाएं तो आप लोगों को क्या करना है, इसको डस्टबिन में फेंक देना है, बिकॉज यू नो आप लोगों की स्किन हो गई या लैशेज हो गई या लिप्स हो गए, लिपस्टिक्स का भी मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी हो गया वो आपका ख़राब हो सकता है, उस पर एलर्जी हो सकती है, अगर फाउंडेशन है तो उससे आपको पिम्पल्स आ सकते हैं गाइस। सो बी केयरफुल एंड नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्किन। ये जो कॉर्नर देख रहे होंगे, तो ये है मेरे लिपस्टिक का कॉर्नर। सो यहाँ पर मेरी सारी लिपस्टिक्स रखी हुई हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, जो जो मेरी मोस्ट फेवरेट है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो सारी में दिखाऊंगी जो जो मोस्ट फेवरेट है मैं जो यूज़ करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट है ये वाली, ये वाला कलर बहुत ही ज़बरदस्त कलर है, ठीक है ना। एक तो ये मेरा फेवरेट हो गया, और दूसरा है ये ग्लॉस, ये भी मुझे बहुत पसंद है, और ये वाला कलर भी मुझे बहुत पसंद है, ये थोड़ा सा डार्केस्ट सा कलर है, और ये शेड है रॉक एंड लोड, और ये है न्यू सा कलर, और ये वाला भी मुझे बहुत पसंद है, और ये वाली जो दो लिपस्टिक्स हैं ना ये मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक्स हैं, और ये जो मुझे कलर है ये लिपस्टिक तो नहीं ख़त्म भी हो गई, मैंने इतनी यूज़ की है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं दूसरी लाऊंगी, मैं तभी ये संभाल के रखी हुई ताकि मैं ये दूसरी लाऊं, ठीक है। और जो जो मेरी फेवरेट्स थी वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी हैं। सो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रॉअर, ठीक है। मेन चीज़ तो मैंने आप लोगों को दिखाई ही नहीं है, सो ये जो ड्रॉअर है इसमें भी अभी सामान बाकी है, सो कीप वॉचिंग। तो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इस ड्रॉअर में क्या है, और इस ड्रॉअर में है मेरी सारी आई शैडो पैलेट, जो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा यू नो और जो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ मैंने इसी में रखती हूँ, सारे मेरे नेल पेंट्स भी इसी ड्रॉअर में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करेंगी ये वाला पैलेट, ब्लश का पैलेट है। सो इसके अंदर ये दो शेड्स हैं ब्लश के, और ये दो हाइलाइटर के शेड हैं, विच इज़ रियली गुड। ये वाला शेड है एक, ये वाला शेड है हाइलाइटर का, और ये एक ब्लश है और ये एक ब्लश है। तो सेकेंड पैलेट है हमारे पास ये वाला, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट पैलेट, और इसको मैं सबसे ज़्यादा अपनी डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट आई शेडो पैलेट है, और इसके आप लोग शेड्स दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे शेड्स हैं इसके। सो ये वाला जो है ये मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है, जहाँ भी मुझे जाना होता है मैं ये बस ये वाला शेड अप्लाई कर लेती हूँ, एंड इसको एज अ फाउंडेशन शेड अप्लाई कर लेती हूँ, एंड आई एम रेडी टू गो एनी वेयर। और द नेक्स्ट वन वी हैव दिस ट्रैवल किट, विच इज़ फ्रॉम ईस्टी लोडर,
और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने इसको जब भी मुझे कहीं ट्रैवल पे जाना होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको पूरा खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर हैं ये 4 आई शेडो के शेड्स, ये हैं 2 मैट और ये जो हैं ये थोड़े से शिमर वाले हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये ख़त्म हो गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा शेड था। और ये है ब्लश, ये इसके अंदर छोटू सा मस्कारा है विच इज़ वेरी ट्रैवल फ्रेंडली। और ये छोटू सा इसके अंदर काजल पेंसिल है और छोटे छोटे से ब्रशेज हैं विच इज़ रियली क्यूट यार। थैलियाँ वो भी नहीं निकाली हैं। और इसके अंदर छोटा सा ये लोगों दिखाती हूँ मैं, ये छोटा सा है इसके अंदर पफ और ये फेस पाउडर और ये और इसके अंदर ये लिपस्टिक्स हैं 4 4 शेड्स के अंदर लिपस्टिक्स के, जो भी आपको चाहिए वो लगा लें। इसमें ब्रश भी है बट मैं ये फिंगर से ही अप्लाई कर लेती हूँ। मतलब यार कितना क्यूट सा यू नो एक ट्रैवल सब ट्रैवलिंग पैलेट है। मतलब जहाँ भी जाओ आपको कोई भी मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं ना लिपस्टिक ना फेस पाउडर ना मस्कारा ना काजल पेंसिल और ना ही आई शैडो पैलेट और ना ही ब्लश ऑन। मतलब इसके ऑल इन वन है ये पैलेट एंड दिस इज माई मोस्ट फेवरेट ट्रैवलिंग किट आई हैव एवर यूज्ड इन माय लाइफ। ये वाला पैलेट आप लोग देख सकते हैं, ये वाला पैलेट भी बहुत अच्छा है। वो अब है हमारे पास ये वाला पैलेट, इसके आप लोग शेड्स दे सकते हैं। सो नेक्स्ट वन वी हैव दिस एंड सो मैं भी आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें। तो अब हमारे पास है ये मोस्ट यूज पैलेट जो हर किसी के पास होता है ये पैलेट। आई गेस ये वाला जो पैलेट है ना ये हर किसी के पास होता है और ज़्यादातर पार्लर्स में भी यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं क्लोज हैं थोड़े से कैमरा कितने सारे शेड्स हैं। मतलब इसके अंदर मोस्टली हर एक शेड मौजूद है। शिमर्स यहाँ पे हैं सारे शिमरी शेड, यहाँ पे हैं सारे मैट शेड्स और कितना खूबसूरत है। मतलब अगर आपके पास ये पैलेट तो आप लोग किसी पैलेट की जो है वो ज़रूरत ही ना हो। सो अब नेक्स्ट वन वी हैव दिस पैलेट, ये है एल ए कलर्स का पैलेट और ये है जो ब्लू स्मोकी आइज नहीं बनती तो ये उसको बनाने में मदद करता है सारा ब्लूइश कलर्स में सारे। तो अभी हमारे पास ये वाला पैलेट है, ये तो आपको सबको ही पता होगा, ये है फेस कॉन्टोर पैलेट और ये भी एक आई शेडो पैलेट है। ये हैं सारे शिमर्स रखे हुए हैं इसके अंदर। ये है ब्लश का पैलेट, इसके अंदर 6 शेड्स हैं मैं जो यूज़ ही नहीं करती हूँ। ये है मेरे पास ये वाला पैलेट और एक है हमारे पास ये वाला पैलेट और इसके कलर्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसमें एक शिमरी सा शेड है, मतलब शिमर वाला ये है ग्लिटरी शेड और इसके अंदर ये सारे ज़्यादातर ट्रांजिशन कलर्स हैं और ज़्यादातर शिमर के कलर्स हैं। ये वाला पैलेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमारे पास हैं ये लैशेस, ये है फेस पाउडर। चलिए मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है। और अब यहाँ पर है हमारे पास अनदर पैलेट विच इज़ रियली नाइस। आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने सारे कलर्स मौजूद हैं। मतलब ये वाला आप लोग मतलब इतने सारे कलर्स हैं तो आप लोगों को किसी पैलेट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अब हम ये यहाँ पे रखते हैं सब कुछ, फिर आपको मैं अपनी कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। आप लोग को ले आती हूँ अपनी लिपस्टिक्स की तरफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये और ज़्यादा लिपस्टिक्स कहाँ से आ गई, क्योंकि ये जो मैंने आप लोग को ऊपर दिखाई थी ये जो मैं मोस्ट ऑफन लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ ये वो लिपस्टिक्स हैं और ये जो है मैं लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। जो प्रोडक्ट्स मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ वो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। ये वन मोर आई शेडो पैलेट है, हाईलाइटर व्हाटएवर। तो यहाँ पर है मस्कारा और ये है लिपस्टिक, ये ग्लॉस यहाँ पर पड़ी हुई है और ये है लिपस्टिक का लिपस्टिक्स हैं इसके अंदर भी। और दिस लिपस्टिक भी ये वाली लिपस्टिक भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर इसकी जगह ऊपर नहीं थी रखने की। ये हमारे पास आ गई मिस रोज़ की लिपस्टिक, ये एक और ग्लॉस है, ये वाली ग्लॉस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ग्लॉस भी बहुत अच्छी है। सेम वैसी ही ग्लॉस है जो मैंने आप लोगों को वहाँ पर दिखाई थी जो रखी हुई है, ये सेम वैसी ही ग्लॉस है बट इसका जो ग्लॉस का कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे नेल पेंट सारे, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास नेल पेंट की कलेक्शन, जो नेल पेंट्स ड्राई हो गए थे वो मैंने निकाल दिए थे, मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ और जो नेल पेंट इस वक्त काम कर रहे होते हैं वो मेरे पास मौजूद हैं।
सो मैं आपको अपनी फेवरेट्स दिखा देती हूँ इसमें से, सारे तो नहीं दिखाऊंगी. सो दिस कलर इज़ माई फेवरेट एंड दिस इज़ येलो कलर, इट इज़ ऑल्सो माई फेवरेट एंड दिस इज़ शिमरी कलर. और ये वाला कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और ये जो अभी मैंने अप्लाई किया हुआ ये है, ये वाला कलर ये मैंने बस रैंडमली जल्दी जल्दी में अप्लाई कर लिया. और यहाँ पर है, मैं थोड़ी सी और ड्रॉअर खोल देती हूँ अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो. अब यहाँ पर हैं हमारे सारे हाइलाइटर्स, ये हैं मेरे पास ब्लश ऑन्स, ये है मेरे पास फेस पाउडर, अच्छा ये भी फेस पाउडर है, ये है ट्रांसलूसेंट पाउडर, ये है हाइलाइटर, आई थिंक आई शेडो है ये है वन मोर ब्लश, ये है आईब्रोज का, ये है हमारा वन मोर ब्लश, ये हमारा फेस पाउडर जो कि डूब चुका है तो फिर मैंने संभाल के रखा हुआ है अभी बिकॉज ये एक्सपायर नहीं हुआ है. सो ये ड्रॉअर भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट मेरा जो मेकअप कलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है. बस थोड़ा सा रहता है जो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ क्या क्या नहीं. तो अब हम आ जाते हैं इस ड्रॉअर में, इस ड्रॉअर को मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी बिकॉज इस ड्रॉअर में बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें रखी हुई हैं. तो ये मैं वाइप्स, ये लोशन, ये मास्क रखा हुआ है, ये भी स्किन केयर की चीज़ें हैं सारी, ये स्किन केयर की चीज़ें रखी हुई हैं, ये लेंसेस रखे हुए हैं, ये है, ये वैसे तो बेबीज़ का होता है बट ये मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करती हूँ एज अ लिप बाम. और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, ये नेल पेंट रिमूवर है और बस इसके अंदर यही चीज़ें हैं, दैट्स इट. सो गाइस फाइनली दिस वाज माय मेकअप कलेक्शन विच आई शेयर विद यू ऑल. आप लोग की रिक्वेस्ट पर मैंने मेकअप कलेक्शन तो शेयर करी है. सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों से अपनी ज्वेलरी कलेक्शन भी शेयर करूँ और जो जो आप लोग चाहते हैं अपनी स्किन केयर कलेक्शन भी शेयर करूँ, अपनी परफ्यूम कलेक्शन भी शेयर करूँ, सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी. सो इफ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.